आदि तो होली, याद मेरी उनको भी आदि तो होली। मैं तड़पता हूँ जैसे वो भी तो होगी, याद मेरी उनको भी आदि तो होगी। बिना उनके ये कह आना, ए हवा जाकर संदेशा मेरा दे आना। रह नहीं सकता बिना उनके ये कह आना। वहां पर वैसे भी जाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। हो जा रही है तितली नगरिया उनकी तू जाना, वो भला तेरा खबर उनकी कुछ ले आना। जा रही है तितली नगरिया उनकी तू जाना, वो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। होके उनकी गलियों से आती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। हो पक्षियों सुन लो के मुझ पे कठिनाई, ढूंढ लाओ तुम मेरी तो आंखें अकुलाई। पक्षियों सुन लो कि मुझ पे आई कठिनाई, ढूंढ लाओ तुम मेरी तो आंखें अकुलाई। होके उनकी गलियों से आती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। मैं तड़पता हूँ जैसे वो भी तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। भगवान वो देखिए सामने हनुमान जी आ रहे हैं। बोल जयकारा बोल श्री पति रामचंद्र महाराज की। प्रणाम महाराज। आइए हनुमान जी। हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, बल पर तेरे मैं गर्वित हूं, उतार सकता नहीं उपकार तेरा। बस इस समय यही कहूंगा मैं, जब तक धरती आसमान रहेंगे मैं तेरा ऋणी रहूंगा सदा। अब यह बतलाओ महावीर, सीता वहां कैसे रहती होगी, वह कैसे जीवन की रक्षा कर अन्याय रावण का सहती होगी। हे प्रभु, सिंह कटारे में जैसे रसना जैसे दांतों में, वैसे वो है वो संवती उन राक्षसों में है। हे प्रभु, मैं इससे ज्यादा अधिक आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा और ना ही आप इससे अधिक सुन पाएंगे। बस चलते समय माँ ने मुझे ये निशानी दी है और उन्होंने बोला है यदि प्रभु एक माह तक नहीं आए तो माता को जीवित नहीं पाएंगे। हाँ हनुमान जी, यह चूड़ामणि तो निश्चय ही सीता की है। हे हनुमान, तुम सा कोई और उपकारी नहीं मेरा। सुर नर मुनि सकल चराचर में और विशेष कहें हम क्या।
तुम अब से प्राण हमारे हो। सुग्रीव जी अब और विलंब ना कीजिए और आप अपनी सेना को संगठित कीजिए और शीघ्र ही उन्हें लंका की और कूच करने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज सेना समुद्र के किनारे आ चुकी है। मंत्रियों ओ सेवा सदरों, तुमने सुना है गुप्तचर क्या कहता है? सेना समुद्र के पार आ गई है। कहो अब क्या होना चाहिए? पिताश्री, इन भुजाओं की ठाट समस्त ब्रह्मांड पर छाई है। क्या आप विपदा आई है आनवीरता की और आपकी सौगंध है? नीचा करूंगा शरण का, तो अब तक दम में दम है क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर तो रावण को गर्व है। महाराज लंका का बोलबाला और क्षत्रियों का मुंह काला। क्यों नहीं ऐसा ही होगा। जय शंकर। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं एक एक वानर को पकड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे वीरों पर मुझे गर्व है। महाराज आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, मैं सबको निचोड़ निचोड़ कर खा जाऊंगा। हाँ हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भूल रहे हैं भैया, इन स्वार्थी लोगों की बात पर भूल रहे हैं। ये मीठी मीठी बातें कर आपको कुमार्ग पर ले जा रहे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए असंभव को संभव कर दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चांद की, राह पर ले जा रहे हैं आपको आपके बंजाल की। विभीषण आज तेरा ज्ञान यहां पर काम नहीं आएगा। मैं ठीक कह रहा हूं भाई साहब, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप वेदों में पढ़कर अपना अनित करना नहीं चाहते, तो इन गायकी लोगों की बातों को दिल से हटाइए और मित्र को पहचानिए। क्रोध और अहंकार छोड़कर माया और अज्ञानता से मुंह मोड़कर प्रभु श्री राम की चरण में जाइए और माता जानकी को लौटाकर अमर पद पाइए। क्रोध की बुद्धि और माया नरकामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं, बुराई पर लगाते हैं। विभीषण शत्रु के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है, विद्रोह की भावना ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता पृथ्वी से आकाश तक स्वर्ग से पाताल तक लेकर बज रहा मेरा डंका है, पाताल से कैलाश तक सब भय खाते हैं और तू मुझे समझाता है। विष्णु घबराता है मुझसे और तू उसे घबराता क्यों है? भैया हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शत्रुओं का एक दूत हनुमान
सौ योजन समुद्र लांग कर लंका में आ गया। अब हमारी लंका नगरी भी दुर्गा भाई, और देखते देखते उस वानर ने सारी लंका को उजाड़ बना दिया, सारी लंका में आग लगा दी। हमारे बड़े बड़े नगर ये तो सब देखते ही रह गए। इसका अर्थ ये भैया, लंका की दीवारें भी अब अभेदी नहीं रही। हमारे पूरे राक्षस कुल में ये विभीषण पैदा ही अलग हुआ है। मेघनाथ बस आपको इतनी भी शर्म नहीं आई? एक भाई होकर दूसरे भाई के साथ विश्वासघात करते हो, धन हमारा खाते हो और क्षत्रियों के पक्ष की बात करते हो। बेटा, अपनों से बड़ों से ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। देखिए भैया, मेघनाथ मुझसे किस प्रकार बात कर रहा है। जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। भैया ये क्या कह रहे हो? क्या कभी गीले और सूखे एक साथ चलते हैं? आप भी मुझ पर संदेह करते हैं? अरे मूर्ख, क्या तुझे उल्टे देश की कहा सुनाई है? मैंने तुझे लाख बार समझाया है, रावण का रावण के बल में नाम नहीं है। भैया मैं आपका पिता तुल्य आदर करता हूं, आपको ऐसे शत्रुघार मंत्रों से सावधान रहना चाहता हूं। जिस राजा के मंत्री गुरु और वैद्य भी हैं, वो राजा को प्रसन्न करने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य परमोश्री नाश हो जाता है। अरे मूर्ख, खुद कायर होके मुझे भी कायर बनाता है। उन बदमाशियों का पक्ष लेकर रावण को डराना चाहता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कुलस्पुनि के कुल का नाश ना कीजिए। मैं अपना शीश आपके चरणों में झुकाता हूं। विभीषण, तेरी इस बेहयाई से जिगर पर पड़ रहा साला है, भटकता रहेगा यूं ही उम्र भर, नमक खाकर नमक डालने वाला है। चल हट। अच्छा किया पिताश्री, इस देश द्रोही के साथ अच्छा किया। बाहर निकालो इस कुल द्रोही को। मुझ पर हंसने वाले, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर मंडाते हुए साक्षात काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में कहा है विराट काले विपरीत बुद्धि। भैया, संसार में व्यक्ति का सर्वप्रथम धर्म है वह जब तक जिए सम्मान के साथ जिए। बिना सम्मान के जीने से तो अच्छा है कि वह मर ही जाए। दूसरों की नीति के अनुसार इसी सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में उसे अपमानित करना मृत्यु दंड देने के बराबर है। इसीलिए मैं हर प्रकार से मर गया आपके लिए। आपकी आज्ञा से मैं आज लंका छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। जाते जाते केवल भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सद्बुद्धि दे कि मैं ये मुकुट आपके चरणों में रखता हूं।
मैं जा रहा हूं भैया। वह नहीं मिलेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठहरिए, मैं प्रभु से आज्ञा लेके आता हूं। महाराज, रावण के भाई भविष्यन द्वार पे आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विभीषण वह द्वार पे खड़े हैं। ठीक है सुग्रीव जी, उन्हें अंदर ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। अच्छा लंकेश, जो आपको उचित वर लगे वो मांग लीजिए। लंकेश, प्रभु मुझे लंकेश कहकर क्यों पुकार रहे हैं? लज्जित नहीं भाई, हम सत्य कह रहे हैं। आज से हम तुम्हें लंका का राज्य प्रदान करते हैं और तुम्हें लंकेश बनाते हैं। नहीं प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम जानते हैं भाई कि लंका का राज्य हम आपको अपनी इच्छा से दे रहे हैं। विभीषण जी, आप बताइए आगे कैसे कदम बढ़ाना है। रावण भी चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या उसने ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वो अब तक युद्ध को ना आया है। लंका के द्वार भी बंद है, कुछ भेद ना उसका जाना है। प्रभु, लंका के दरवाजे बंद देख ये ना समझे वो डरता होगा। अपने मंत्रियों के साथ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिन और देखिए, ये वीर नीति बतलाती है। दुश्मनों को कुछ दिनों की पावन भी दी जाती है। प्रभु, तो 4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। सीता माँ एक एक घड़ी शो जैसे काटती है। हम पेड़ों और पत्थरों से रावण की लंका ढा देंगे। मुट्ठी में बंद दरवाजे तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। तब राज भवन को तोड़ेंगे, तब तो रावण घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा या फिर लड़ने आएगा। फिर भी मेरी ये राय है, दूत एक भेजा जाए जो दुश्मन के बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है रावण मान जाए, तब तो विचार यह सुंदर है। मरने मारने से पहले रावण को समझाना ही बेहतर है। समझदार हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की। प्रभु, रावण अवश्य ये समझेगा, सारा आधार हनुमान जी पे है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ स्वभाव रखता हूं यह नीति इसमें मान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, वह समझदार बलवान भी है। अंगद जी, हम तुम्हें पुत्र समान समझते हैं, इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज को। तुम्हें सेना के संचालन का शोभा देता है काजी। प्रभु, जिस पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े सनातन पर, निश्चय ही धाक जमाऊंगा।
मैं रावण की राजधानी पर। युवराज हम जानते हैं सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, गुणवान पिता के बेटे हो, सभी तरह सामर्थ हो तुम। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी अपना दिखला आना, जाओ पुत्र जाओ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। लंकापति महाराजा रावण की जय। महाराज एक दूत आया है, जाओ उसे अंदर लेके आओ। जो आ गया महाराज। कौन हो तुम, कहां से आए हो? मैं बाली पुत्र, हे महाराज मैं दूत राम जी का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुख बाली राज अंगद हूँ। मेरे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके भी नाम, कुछ ध्यान नहीं मुझको उनका, है वो कौन बाली और कौन वो राम? हो सकता है महाराज ध्यान ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काठ में बंदी थे। उस समय आपकी इच्छा थी इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना भूल मौके की, इसमें अचरज है नहीं। मुझ पर एक बात विस्मय की है, बहन सूपनखा को जब रोज दशानंद देखते होंगे उससे अचंबा तो ये है, और श्री राम को भूल गए। अब तुम जान गए राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं? ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं? श्री राम राजेश्वर परमेश्वर, वानर की तो गिनती क्या, सुरनर मुनि जिनके सेवक हैं उनका ही सेवक अंगद है। कर्तव्य चुकाने आया है इस कुंती राजसभा में, कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही वो अंगद है? क्या तू ही उस बाली का बालक है? यदि तेरा गर्ज नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। उस तपस्वी का दूत कहने में क्या आती तुझको लाज नहीं? है महाराज जिसने बाली को धिक्कार, तू उसका दास हुआ। वो मित्र पिता का है तेरे, मुझ पर ना तुझे विश्वास हुआ। अंगद तू अभी भी मुझसे संधि कर ले तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस भरे राजे लंका का अभी से तू राजकुंवर हो जाए। मैं यह सेवा करूं इतनी, जो पिता कहां मिल गए, लंका का बनूं सेवापति, ऐसी वीरता मुझ में कहां महाराज? सेनापति अगर चाहते हो तो राम दल में बहुत से हैं, है दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल हैं। और शायद ही स्वीकार करें कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज्य में रहने को। और संदेशा है विभीषण का, अभिमानियों सारी रावण लंका में, बस वही रह जाएगा अकेला अर्पण करने को। इसलिए त्याग कर वैद भाव, उज्जवल मन का दर्पण करो, रोसंधि रघुनाथ से सीता जी को अर्पण करो। खूब समझ ले लंकेश, काल लंका में पांव धर चुका है, निश्चर ही हीन करूंगा जरा, रघुवर भी यह प्रण कर चुके हैं। मेरे छोटे भाई को
भाई की तरह जो पालते हैं, मिलते ही उनको अपना भयदान करके लंकेश बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चर है उस दल में सोना पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा धरती, तो प्रण सही कैसे कहलाऊंगा। शरीर से तो तू भी प्राणी दुर असुर ना माना जाता है, जब हार से ही देवता और राक्षस पहना जाता है, तब गया विभीषण श्री राम शरण को कैसे माने विश्चर है। जो जाता नहीं श्री राम शरण, वो ही मारा जाता निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते हो तो मानो मेरी शर्तों को, पहले दो भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों में, फिर तोड़ो सिंधु समुद्र का, आ सके ना लंका में कोई, फिर हनुमान का अभिमान हटा, और भेज दो रावण की सेना में, और चबा तिनका दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की, राम लक्ष्मण भिक्षा मांगे आकर अपने प्राणों की। बस यही, ये तो साधारण से हैं, कुछ और मांगना है तो वो भी मांग लो। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, मांगे चारों साधारण हैं, जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। रंका का मान विभीषण है, रंका में इसे भेज डालेंगे, और अगर हुई कोई मान हानि वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी बहन सूपनखा की कटी नाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी। अंगद, तुझको ये पता नहीं, मैं कालजीत मतवाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं ऐसा सांप विषवाला हूं, मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम इंद्र कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है, सूरज भी मेरे इशारे से पूरब से पश्चिम को जाता है, मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिलोक में ना दूजा है, मैंने शीशों को काट काट मैंने शंकर को चढ़ाया है, जो करनी करने वाला है, जो करता वही कहता है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरसा है वो बरसा है। कहते हैं आप बार बार मैं बड़ा ही हटी और क्रोधी हूँ, बलिहारी मैं भी तो कहिए, मैं बाली का पुत्र भी हूँ। अंगद, मर्यादा को मत लांघ, अधिकार ना बात बढ़ाने की, वानर तेरा काम नहीं मुझको ऐसे समझाने की, आप दोनों आप निपट लेंगे, दिल में रही बड़ाई है तो तेरे का पकड़ चील जो बीच में आग लगाई है। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति शोभित है, तब तब स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है, इसीलिए आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाली कांत में दबा रहा क्या वो ही रावण राजा है। अच्छा अच्छा, परीक्षा अब लेता हूं मैं तेरे बल की, तेरे मतवालों को अपनी शक्ति पर साधारण चमत्कार दिखाता हूं, और अपना पांव तेरी सभा में अब जमाता हूं। तेरे सारे बहादुरों में जो भी सबसे बलवान है वो आए और मेरा पांव उठाए, हमारी तुम्हारी जय पराजय भी इसी बात पर निर्भय होगी। यदि तुम्हारे किसी भी योद्धा ने
मेरा पांव भूमि से उठा दिया और तुम्हारी जीत हमारी हार है। आओ और अपना बल दिखाओ। जाओ मेरे शूरवीरों, इस पैर को उखाड़ के फेंक दो। चलूंगा जिस रूप में, चलूंगा जिस छवि पर मैं, वही भूत चाल आएगा। जमीन तो क्या चीज है, ऊपर आसमान भी कांप जाएगा। निष्कलंक काल हूं मैं, अरे ये क्या मेरा काल लाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, मुझसे नजरें मिलाएगा। अभी उठाता हूं इसको और लंका के दूर फेंकता हूं। युद्ध में देखूंगा। आज अजीब ताकतवर से पाला पड़ा है, लगता है ऐसे जैसे पांव में गीले ठोक रखे हैं। एक बार फिर से आजमाइश कर देखता हूं। लगता है जमीन से चिपका कर ही रखा है। रावण, खड़ा हूं सामने तेरे, वहम अपना मिटा ले तू। कोई और जो बाकी रह गया हो उसको भी आज बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा जो इस वक्त चूकेगा, रहेगा आंसू बहाता और जमाना तुझ पे थूकेगा। अंग्रेज, हम वही बलवान रावण हैं जिसकी भुजाओं की लीला स्वयं कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को कैलाशपति उमापति महादेव जी ने स्वीकारा है। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा के हमने दिल की पूजा की है। हमारी भुजाओं के पराक्रम को दिग्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत हमारी छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी राजा रावण हैं जिसके चलने से धरती यूं डलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। जय शंकर।
क्यों कैसी की तरह जबान चला रहा है और इस छोटी सी बात के लिए इतना इतरा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ ही देता हूं और तेरे इस अस्तित्व को इस संसार से खत्म ही कर देता हूं। हुआ है क्यों दीवाना, होश में अपने तू आ रावण, मेरे कदमों को ना तू हाथ लगा। यदि पापों का तू अपने पश्चाताप करता है तो जाकर श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका। यदि माने तो अच्छा है, नहीं तो तेरी इच्छा है। फर्ज अपना तो अंगद कर चला रावण। वानर, तेरी भलाई इसी में है, तू यहां से चला जा और अपनी सूरत मुझे मत दिखा। तेरी इस बकवास का उत्तर जबान से नहीं तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि रणभूमि में कितनी देर तक तू पैर जमाएगा। रावण, ये तू नहीं बोल रहा, ये बोल रहा तेरा अभिमान है। जिन भाइयों पुत्रों के बल पर तू कूद रहा है, तेरे में केवल बातें बनाने की ही ताकत है। यदि तुझको तेरी तलवार पर अभिमान है तो हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।